जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटाए जाने के बाद सूबे में सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद हैं। कानून व्यवस्था कायम रहे और किसी को कोई तकलीफ न हो, दोनों ही बातों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी एहतियात बरत रही हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है और हर हालात से निपटने की मुकम्मल तैयारी है। इस बीच घाटी में पत्थरबाजी की कुछ छुटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं, लेकिन हालात काबू में हैं। आज जुम्मा है और इसीलिए खास दिन है। खास इसलिए भी कि सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि जुम्मे की नमाज के बाद मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं, लिहाजा इससे निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। खास बात यह है कि जुमे की नमाज को लेकर तमाम प्रशासन के मन में आशंकाएं हैं और प्रशासन ये चाहता है कि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, कोई हालात ना बिगड़े, कोई मुश्किल ना खड़ी हो। आमतौर पे जो जुमे की नमाज होती है वो कोई भी मुस्लिम मिस करना नहीं चाहता है, क्योंकि ये हफ्ते में सिर्फ एक बार होती है और ऐसे लोग जो हफ्ते में कभी कभी नमाज पढ़ने जा पाते हैं वो जुमे की नमाज पढ़ने ज़रूर जाते हैं। और जो हालात श्रीनगर में चल रहे हैं, प्रशासन को अंदेशा है कि अगर भीड़ लगती है, कोई दिक्कत, कोई सड़कों पर लोग आते हैं तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। आप मेरे पीछे इस मस्जिद को देख सकते हैं कि इस मस्जिद में भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग नमाज़ पढ़ने आएंगे। और श्रीनगर में सैकड़ों मस्जिदें हैं और हर मोहल्ले में 4 से 5 मस्जिदें हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जो अपना फ़र्ज़ है वो पूरा करते हैं। और प्रशासन इस बात को जानता है क्योंकि अक्सर नमाज के बाद हंगामा हुआ है, पत्थरबाज नमाज के बाद निकलते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन पे हमला करते हैं, हंगामा खड़ा होता है। इसलिए इस बार प्रशासन ये चाहता है कि जुमे की नमाज आसानी से निपट जाए, कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना खड़ी हो। लोगों से अपील की जा रही है कि झूठे प्रचार के जाल में न फंसें और ना तो अफवाहों पर ध्यान दें, ना ही अफवाह फैलाने में मदद करें। दरअसल बकरीद भी नज़दीक है और प्रशासन चाहता है कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदे बगैर किसी परेशानी के कुर्बानी के इस त्यौहार को जोशो खरोश से मना सकें। खुद पीएम ने भी उन्हें ईद की बधाई दी है और प्रशासन को ताकीद की है कि ईद मनाने में किसी को कोई दिक्कत पेश ना आए। ईद का मुबारक त्यौहार भी नज़दीकी है, ईद के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमारे जो साथी जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं और ईद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उनको भी सरकार हर संभव मदद कर रही है। बकरीद को लेकर प्रशासन ने अभी से तैयारियां पुख्ता करनी शुरू कर दी हैं। इंटरनेट और दूसरी संचार सेवाएं फिलहाल बंद हैं, लिहाजा पब्लिक टेलीफोन बूथ लगाए जा रहे हैं ताकि त्योहार के मौके पर लोग अपने रिश्तेदारों की मिजाज पुरसी कर सकें, ताकि वो वहां पे लोग जाएं और वहां पे जहां बात करनी है तो वहां पे अपना पैगाम पहुंचा सकें। सो दैट दे गेट टू नो अबाउट देयर रिलेशंस, द वेलबींग ऑफ देयर रिलेशंस, ताकि उनको बता सकें, सारी चीज़ें उन तक पहुंचा सकें। क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन गैप रह रहा है, इसकी वजह से कई पॉकेट से ये कंसर्न हमारी नोटिस में आया। इतना ही नहीं, लोगों तक उनके रोजमर्रे की जरूरत की चीजें पहुंच सकें, इसके लिए भी प्रशासन की ओर से इंतजाम किए जा रहे हैं। कोशिश ये कि सामानों की डिलीवरी घर तक करा दी जाए। घर घर हम डिलीवरी का सिस्टम जो है उसको इफेक्टिवली मॉनिटर भी करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ताकि हर किस्म की, चाहे वो कोई भी वेजिटेबल्स की हो, पोल्ट्री की हो, मटन की हो, या और किसी चीज़ की हो, केरोसिन की हो, एलपीजी की हो, जो भी रिक्वायरमेंट्स है लोगों की, उसको घर तक पहुंचा के उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकारों के खत्म होने के बाद धीरे धीरे यहाँ जनजीवन सामान्य होने लगा है। हालांकि बकरीद को लेकर पहले की तरह सरगर्मी फिलहाल नहीं दिख रही, त्योहार के मौके पर कुर्बानियों के लिए जानवर बेचने वाले भी थोड़े मायूस हैं। ईद का फौरन त्यौहार आ गया और जो यहाँ जो लोग हैं यहाँ पे, उनकी ईद कैसे मनेगी? एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि उनकी ईद में किसी तरह का खलल ना पड़े। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक दुकानदार हैं जो कि ईद के लिए जो बकरे, जो कुर्बानी के जानवर होते हैं, उसको बेचने के लिए आए हुए हैं। तो ये पूरे श्रीनगर में ऐसी छोटी छोटी नुक्कड़ दुकानें लगती हैं जहाँ पे जो इसके जो दुकानदार होते हैं वो अपना जो भी जो बकरे हैं या जो भी कुर्बानी का जानवर है उसको लाकर वो खड़ा कर देते हैं। किसी के पास 20
जानवर होता है, किसी के पास 50-100 जानवर होते हैं, लोग आते हैं, उनसे मोल भाव करते हैं और उसके बाद यहाँ से उसको ख़रीद के अपने घर ले जाते हैं, अपने घर में उनको पालते हैं, 2-3 दिन रखते हैं और उसके बाद फिर इनकी कुर्बानी होती है। तो ये एक बड़ा ऐसा त्यौहार माना जाता है कि जो कि पूरे श्रीनगर में धूमधाम से मनाया जाता है। आप कहाँ से आए इसको लेकर? रजौरी के हैं, तो इस वक्त पंजाब से ऊपर से आए हैं, पहाड़ी से ये माल लेकर आए थे बेकरी करने के लिए, हर साल आते थे। कितने जानवर आप लाए और कितने बिके अभी तक? अभी हमने तो जानवर लाया था को 100 तक, तो 50 तक बिक गया, बाकी खड़े हैं ऐसे ही। 50 आपने बेच लिया? रेट ये है कि रेट कम मिल, रेट बहुत कम किया ना आपने। इनको सुना, ये रजौरी से आए हैं और इनका कहना ये है कि ये 100 बकरे लेकर आए थे, हालांकि 50 बिक गए हैं, लेकिन जो रेट इनको एक्सपेक्टेड था वो दाम इनको नहीं मिल पाया और इनको थोड़ा अपने कम दाम में अपने जानवर को निकालना पड़ा, लेकिन फिर भी इसी में इस माहौल में भी लोग ईद मना रहे हैं। हालांकि जो ये दुकानदार हैं उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है जितना प्रॉफिट वो सोचकर आए थे। बहरहाल बकरीद में तो अभी 2-3 दिन बाकी है, इससे पहले तो प्रशासन का ध्यान आज की नमाज पर है। जुम्मे की नमाज के बाद क्या हालात रहते हैं उस पर नजर रखी जा रही है और फिर उसके हिसाब से सुरक्षा में कुछ ढील देने पर विचार किया जा सकता है। शादाब सिद्दीकी, जी मीडिया, श्रीनगर।